हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लेक्चर नंबर 5 पे हम लोग पहुंच गए और लेक्चर नंबर 5 में हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, और इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। और इस लेक्चर के बाद ये चैप्टर अपना अलजेब्रा ऑफ वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे और वहां पे कुछ नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए हमारे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, मान लीजिए इस वेक्टर को हम बोल रहे हैं आर वेक्टर। ये आर वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, ठीक है। ये वेक्टर वाई के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, ये वेक्टर जेड के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा। इनको हम बोल रहे हैं पहला एक्स एक्सिस के साथ जो बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ उसको अल्फा बोल रहे हैं, वाई एक्सिस के साथ जो बना रहा है उसको हम बीटा बोल रहे हैं, और जेड एक्सिस के साथ जो बना रहा है उसको हम गामा बोल रहे हैं, ठीक है। तो बोला जाता है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, मतलब बोल डायरेक्शन कोसाइन। अब देखो नाम में कोसाइन है तो आप क्या बोलोगे कि हम बोलते हैं L इज इक्वल टू एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है, और ये L क्या है तो बोलता है L इज इक्वल टू होता है कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू होता है कॉस बीटा, और N इज इक्वल टू होता है कॉस गामा। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। कोसाइन क्यों, क्योंकि कॉस लगा हुआ है, और डायरेक्शन की बात इसलिए क्योंकि इसमें एंगल लगा हुआ है। तो ये है कहानी डायरेक्शन कोसाइन की। लेकिन रुकिए, इसका मैं आपको मतलब समझाता हूं कि ये क्या मतलब है। अब हम यही कोसाइन को हम बात कर रहे हैं कि भाई ये देखो यहां पर ये वैक्टर था, इसका कोई प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे पड़ेगा, ये रहा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब समझ जाना शैडो किस पे पड़ेगा, तो हम बोलेंगे एक्स एक्सिस पे पड़ेगा। अब एक्स एक्सिस पे जो शैडो बन रहा है इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि देखिए मतलब आप क्या चाहते हो, आर का अलोंग एक्स चाहते हो। अलोंग जब भी मैं बोलूं तो आपको डॉट प्रोडक्ट करना होता है, तो आप बोलेंगे r.i वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा, इसका मतलब आर मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और साथ में कौन है बेटा, डॉट आई है। अब आपको पता होगा कि आई का मल्टीप्लीकेशन केवल आई वाले के साथ होता है, क्योंकि आई और जे जो है वो जीरो हो जाते हैं। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कहां पे, तो ये हम पढ़ाएंगे आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में। हालांकि आपने फिजिक्स में स्टार्टिंग 11th के फिजिक्स में आपने ये चीज पढ़ा होगा कहीं पे, आई डॉट आई वन होता है, आई डॉट जे जीरो, मिसमैच हुआ तो जीरो। तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा केवल एक्स, मतलब क्या आ गया ये पार्ट, ये इतना दूर को हम क्या बोल रहे हैं, एक्स बोल रहे हैं, तो ये एक्स आ गया। सिमिलरली आई डॉट आर वैक्टर डॉट जे वैक्टर क्या आ जाएगा, वाई, और आर वैक्टर डॉट के वैक्टर ये कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे ये आ जाता है जेड। ओके, हम बोल रहे हैं कि एक और चीज समझिए, यहां लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन एक्स एक्सिस। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि आर वेक्टर डॉट आई वेक्टर, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आर वेक्टर मतलब आर का मॉड डॉट आई का मॉड डॉट कॉस कौन सा थीटा, कौन सा एंगल है इन दोनों के बीच में, अल्फा, तो हम बोलेंगे यहां पे अल्फा आ जाएगा। अच्छा, आर का मतलब आई का मॉड, आई एक यूनिट वेक्टर है, इसका मॉड क्या होगा, वन होगा, तो हम बोलेंगे आर वेक्टर का मॉड डॉट क्या, डॉट हो गया यहां पे वन। और कॉस अल्फा को आपने क्या बोला था, कॉस अल्फा को एल बोल सकते हैं क्या, एल आ जाएगा, मतलब आप बोल सकते हो एल आर वेक्टर का मॉड। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात को समझने में। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे यहां पे हो जाएगा बेटा m इंटू आर वैक्टर, कैसे हुआ वही काम करेंगे, चक्कर के बताते हैं। चलो आप क्या बोलोगे, r वैक्टर डॉट j वैक्टर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं r वैक्टर का मॉड, j का क्या होता है मॉड, वन, और यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया cos बीटा। cos बीटा क्यों आया समझ में आ रहा है, j के साथ यहां दिख पा रहा है आपको, ये r का j के साथ मतलब j मतलब y एक्सिस के साथ कितना बन रहा है, बीटा एंगल है, तो आपने बीटा लिख लिया। अब कॉस बीटा को हम m बोलते हैं, तो हमने बोला यहां पे कि m और r वेक्टर का मॉड बोल सकते हो। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं कि
प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे एल हो गया, एम हो गया, एन एन इंटू आर वेक्टर का मॉड। यहां तक समझ में आती है बात कि ये चीज लिख सकते हैं। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट एक आपको डेरिवेशन बता रहा हूं, इसको मिटा दो। मैं बोल रहा हूं कि आपको पता है एक चीज कि यहां पे ऐसे लिखा था है कि r वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, या ऐसे लिखना ना, r वेक्टर का जो मॉड है मतलब इसका मैग्नीट्यूड है वो कैसे आता है, ऐसे आता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो आपने बोला कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा इतना और यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हो, देखो आपने क्या लिखा है, एक्स मतलब क्या होता है प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन, एक्स मतलब क्या होता है बेटा प्रोजेक्शन ऑफ आर वैक्टर ऑन एक्स एक्सिस, यही मतलब होता है इसका। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एल आर वैक्टर आएगा, तो एल आर वैक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस एम आर वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस एन इंटू आर वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कैसे कैसे आया, ठीक। क्या हम यहां पे एल स्क्वायर आर स्क्वायर हर जगह कॉमन ले लूं, आर का मॉड का स्क्वायर हर जगह कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू हाउ मच, आर वेक्टर का स्क्वायर, क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा वन, तो यहां पे आ जाएगा वन इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये कभी कभी आपसे डिराइव करने के लिए पूछा जाता है तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कैसे इसको डिराइव करें, मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, वन होता है। तो इस चीज को याद कर लेना है आपको, चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन रेशियो की, डायरेक्शन रेशियो इसको हम डिनोट करते हैं बेटा ए बी और सी से, समझाता हूं क्या होता है। हम बोलेंगे कि मान लीजिए हमारे पास एल एम और एन, ये क्या है डायरेक्शन कोसाइन, ये क्या है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन। तो हम बोले कि अगर आप एल बाई ए इज इक्वल टू एम बाई बी लिख पाओ और इज इक्वल टू एन बाई सी लिख पाओ, अगर आपने ए बी सी क्या है डीज आर कॉन्स्टेंट, अगर आपने क्या किया, आपने बोला कि हम एल एम एन को इक्वल करना चाहते हैं, तो हमने बोला इक्वल करना चाहते हैं तो आप एक काम करो आपको कोई ना कोई चीज से इसको डिवाइड कर दो, ये जो कोई ना कोई चीज से डिवाइड किया है ना इसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो यहां पे हम बोल पाएंगे कि हियर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो, डी आर लिख दो डायरेक्शन रेशियो, डॉक्टर ने डी आर डायरेक्शन रेशियो। अच्छा तो ये कहानी है डायरेक्शन रेशियो की, आपने बोला सर इसका वैल्यू वगैरह कितना होता है ये समझा दीजिए, या आप रिलेशन समझा दीजिए कि डायरेक्शन रेशियो का डायरेक्शन कोसाइन के साथ क्या रिलेशन है। तो हमने बोला ठीक है समझाते हैं, मान लीजिए दिस इज इक्वल टू लैम्डा। अब मुझे बताइए कि एल इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपने बोला कि एल इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं कि, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि एल इज इक्वल टू, आपको पता है कि रिलेशन की एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है वन। अब आप यहां से क्या बोल सकते हो, L इज इक्वल टू क्या बोलोगे, लैम्डा इंटू ए, तो हम बोलेंगे लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, वन। क्या आप यहां से लैम्डा कॉमन ले सकते हो, या ऐसे ले लेते हैं लैम्डा स्क्वायर कॉमन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये कॉमन लेके उधर भेज दिया, सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और आप देखो कि लैम्डा हमने यहां पे क्या लिखा था, यहां लिखते हैं यहां पे, सो हम बोलेंगे कि एल इज इक्वल टू होता है लैम्डा इंटू ए, तो लैम्डा की वैल्यू तो आपको मिल चुकी है, लैम्डा कितना है वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां पे क्या है ए है, तो हम बोलेंगे एल इज इक्वल टू होता है इतना। समझ में आ रहा है, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज का रिलेशन क्या है ऐसा है। सिमिलरली आप बोल सकते हो m इज इक्वल टू b अपॉन, कैलकुलेट करके देखना है तो कर लेना इतना आएगा, और l m और n की बारी क्या आएगी, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c अपॉन रूट ऑफ क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी l m n की वैल्यू। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा,
डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, बोलता है एक ऐसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जिसको अगर डिवाइड कर दें हर डायरेक्शन कोसाइन से तो क्या होगा, सब बराबर आ जाते हैं। और उसकी वैल्यू क्या होती है, तो उसकी वैल्यू होती है कि एल इज इक्वल टू, मतलब डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू, ये है इसका रिलेशन यहाँ पे इस तरीके से। देखना ये नीचे वाला ना सेम होता है, ठीक है, दिख रहा है आपको। और एल एम एन सिक्वेंस वाइज देखो, पहले एल एम एन, यहाँ पे ए बी सी, तो याद रखना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। सो आपको समझ में आ गया डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। अब सवाल करते हैं, अब देखिए एक सवाल क्या बोला हुआ है कि अ वेक्टर OP इज इंक्लाइंड टू OQ OX एट 45 डिग्री एंड OY एट 60 डिग्री। मान लीजिए ये वेक्टर है, ये OX है, ये O है और ये X है, इससे कितना इंक्लाइंड है, तो बोलता है कि दिस इज इंक्लाइंड टू 45 डिग्री। और OY से कितना इंक्लाइंड है बेटा, OY से ये है O और Y, यहाँ पे ये कितना इंक्लाइंड है, तो बोलता है ये है 60 डिग्री। अच्छा और क्या बोलता है, बोलता है कि अच्छा आपको लग रहा होगा सर ये दोनों मिला के तो 90 होना चाहिए, अरे भाई ये लाइन ऐसे भी तो हो सकता है थोड़ा सा, देखिए वर्ड पे नहीं बना हुआ, ये लाइन ऐसा है तभी तो जेड से भी इंक्लाइंड होगा ना, और जेड से कितना इंक्लाइंड है, तो मान लीजिए वो इंक्लाइंड है गामा। अब आपको रिलेशन पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा, या ऐसे पता था आपको, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो एल मतलब क्या हो गया कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है 1, कॉस 45, कॉस 45 क्या होता है 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर, कॉस बीटा मतलब 60 डिग्री, कॉस 60 क्या होता है 1 बाई 2 का स्क्वायर, प्लस कॉस गामा आपको नहीं पता तो कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या 1। अब आप इसको सॉल्व करो, ये आता है 1 बाई 2, ये आता है 1 बाई 4 इज इक्वल टू क्या कॉस स्क्वायर गामा, प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये आता है बेटा कितना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। सो क्या आ जाएगा, यहां लिखते हैं कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अपॉन 4, दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 4 मतलब कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 बाई 4, इसलिए कॉस गामा इज इक्वल टू 1 बाई 2, ठीक है, कॉस गामा इज इक्वल टू 1 बाई 2 मतलब गामा कितना हो जाएगा बेटा, गामा हो जाएगा यहाँ पे कितना 60 डिग्री, यही आपसे पूछा था कि कितना डिग्री इंक्लाइंड है, ठीक है, वाई जेड से कितना इंक्लाइंड है, मतलब गामा एंगल पूछा था, तो क्या बोलेंगे 60 डिग्री। बड़ा बेसिक सा सवाल था, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, एक अगला सवाल कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ वेक्टर आर वेक्टर इज इंक्लाइंड एट Equal angles, to OX, OY and OZ. ठीक है, if the magnitude of R vector is 6, if magnitude of R vector is 6, आपको बोलता है find R वेक्टर आपको बतानी है। चलिए स्टार्ट किया जाए, क्या बोलता है कि एक वेक्टर है जिसमें कि इंक्लिनेशन वगैरह दिया हुआ है, मान लीजिए ये वेक्टर था, इसका x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ, z के साथ सब कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए कितना है, तो हम बोलेंगे मान लीजिए थीटा है, ये भी थीटा, ये भी कितना थीटा, 3D में बेटा, 3D में, इसलिए ये दिख रहा है कि थीटा, ठीक है, ऐसा नहीं कि सर ये हो गया इतना बड़ा, कैसे हो गया थीटा, इंक्लाइन है ऐसे, जैसे कैसे बोलूं मैं कि आप अपने घर पे के कॉर्नर पे एक ना रॉड ऐसे लगा दो, अब आप देख लो कि x एक्सिस किसी को बना लीजिए, किसी को y, किसी को z, अब आप देख लो कि उससे कैसे कैसे इंक्लाइंड है, वही कहानी है यहाँ पे 3D में। तो आपने बोला ठीक है, तो हमारे पास है कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस अगेन cos स्क्वायर थीटा, मैं बोल रहा हूँ तीन बार आ गया, चल लिख के ही बता देते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा बीटा गामा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सब इक्वल है, थीटा है वो, हम बोलेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हो गया, हम बोलेंगे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 3, इसलिए cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस साइन वाले हम लोग को वैल्यू लेनी है, तो 1 अपॉन रूट 3 आ गया, cos थीटा मिल गया। अब cos थीटा मिल गया तो आपको पता है कि हर एंगल पता चल गया, तो हम क्या बोलेंगे कि l इज इक्वल टू क्या होता है, तो l इज इक्वल टू होता है, या ऐसे लिख देना कि x इज इक्वल टू क्या होता है, सो हम लोग क्या बोलेंगे x इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम बोलेंगे l इंटू क्या r वेक्टर का मॉड, y क्या होता है, तो हम बोलेंगे m इंटू r वेक्टर का मॉड,
पढ़ा था ना ये सब। और जेड इज इक्वल टू क्या, जेड इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम बोलेंगे एन इंटू आर वैक्टर का मॉड। तो यहाँ पे क्या आ गया, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो l कितना आया था, l मतलब cos थीटा, तो कितना है 1 अपॉन रूट थ्री इंटू मॉड ऑफ, कितना था मैग्नीट्यूड दिया हुआ, मैग्नीट्यूड हम लोग को दिया हुआ है 6, तो लिखेंगे 6। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 6 अपॉन रूट थ्री, यहाँ पे भी आ गया 6 अपॉन रूट थ्री। सो नाउ r वैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, हम बोलेंगे r वैक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 कॉमन ले लें सब जगह से, 6 इंटू वन अपॉन रूट थ्री आई प्लस वन अपॉन रूट थ्री जे प्लस वन अपॉन रूट थ्री के, ठीक है। तो ये आ गया अपना क्या, r वेक्टर। यही आपसे पूछा था r वेक्टर कितना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द एंगल एट विच वेक्टर दिस इज इंक्लाइंड टू इच ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब क्या चाहिए आपको, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को समझ में आ गया कि अच्छा डायरेक्शन कोसाइन की बात चल रही है, मतलब एल एम एन की बात चल रही है। अब आप बताओ कि एल के का फॉर्मूला क्या था, हम बोलेंगे ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बेटा यहाँ पे ए क्या है, तो ये है ए, यहाँ पे ये बी और ये सी, मतलब इसके जो आई का जो यहाँ पे कोएफिशिएंट है ना उसको हम ए बोल रहे हैं, वही ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 8 प्लस 1 9, 9 का रूट। समझ में आया कैसे लिखा, फिर से लिखूं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे किया, कितना आ रहा है ये, तो ये आ रहा है 2 अपॉन 3। ये L की वैल्यू मिल गई। अच्छा L इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, यहाँ तक L चल रहा था, तो हम बोलेंगे L इज इक्वल टू होता है cos अल्फा, cos अल्फा इज इक्वल टू 2 बाई 3, सो नाउ अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2 बाई 3, दिख रहा है। ये हो गया अल्फा की वैल्यू। सिमिलरली आप निकाल सकते हो m, m इज इक्वल टू क्या होता है b अपॉन कितना, रूट नाइन, b कितना है बेटा माइनस वन, तो हम बोलेंगे माइनस वन अपॉन थ्री। सो ये आ गया cos क्या, बीटा। सो नाउ बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ माइनस वन अपॉन थ्री, ठीक है। अगली बात आती है कि गामा की, मतलब n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे n इज इक्वल टू होता है c अपॉन रूट नाइन। रूट नाइन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हर बार ये सेम रहता है। तो आपने बोला कि c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 2 अपॉन 3 एंड दिस इज इक्वल टू cos क्या, गामा। सो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 3। सो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया कि कितना एंगल से इंक्लाइंड है तीनों एक्सिस के साथ। तो ये तरीका हो गया इसका सॉल्व करने का, कॉपी कीजिए। अब देखो अगला सवाल क्या है, बोलता है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस डायरेक्टेड फ्रॉम a टू b। मतलब ए से बी जा रहा है, मतलब ए बी वेक्टर चाहिए आपको, तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। फाइनल कौन है, बी। तो बी कितना है, तो बी है यहाँ पे माइनस वन, माइनस टू और यहाँ पे है वन। इसमें से क्या माइनस करना है बेटा, एक काम करें आई जे के फॉर्म में लिख दें इसको। तो आप लिखते हो कि माइनस आई माइनस टू जे प्लस के, में से क्या माइनस करना है, माइनस करना है हमको आई प्लस टू जे माइनस थ्री के। चलो सॉल्व करके देखते हैं, तो यहां पे आ जाएगा माइनस आई और माइनस आई क्या हो जाएगा, माइनस टू आई। फिर आपने बोला माइनस टू और माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस फोर जे के प्लस थ्री कितना, मतलब के प्लस थ्री के कितना आ जाएगा, फोर के। ये क्या मिल गया बेटा आपको, ये मिल गया ए बी वैक्टर। अब अगर ए बी वैक्टर मिल जाए तो क्या आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो, ध्यान से देखो, ये ए है, ये क्या है ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, मतलब ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। अच्छा तो डायरेक्शन रेशियोज अगर आपको पता रहता है ना, तो आप एल निकाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या हो गया, एल एम एन, एल कितना है, तो हम बोलेंगे ए अपॉन रूट ऑफ इसका स्क्वायर, टू का स्क्वायर, माइनस टू का स्क्वायर भी क्या होता है, फोर होता है, और टू का स्क्वायर भी फोर होता है, तो मैं माइनस माइनस छोड़ दे रहा हूं, ठीक है, बोलो भाई ठीक है ना, इतना आ गया। ए की वैल्यू कितनी थी, माइनस टू, तो यहां पर लिख देते हैं माइनस टू अपॉन टू टू या फोर, पहले 4 या 16 और 16 32 और 4 कितना आ गया 36, 36 का रूट क्या होता है 6 होता है, तो कितना आ गया 1 अपॉन 3, माइनस 1 अपॉन 3। एल की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 अपॉन 3। एम कितना आ गया, तो हम बोलेंगे एम के जगह पे लिख दो ये वाला कहां गया, माइनस 4 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आया था, नीचे आया था 6, तो ये आ गया 2, ये आ गया 3, ठीक है, ये आ गया 3। और एन कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे एन इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 6, मतलब 2 अपॉन 3। So n इज इक्वल टू कितना, 2 अपॉन 3। और यही चीज आपसे पूछा गया डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन मतलब एल एम और एन।
तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सारे के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इसी के साथ ये चैप्टर जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, और अगला चैप्टर बहुत मिलता जुलता है इससे वेक्टर से, जो कि है स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट। वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स वहां पे बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले होंगे। तो आज का लेक्चर अपना यहीं तक है, और ये अलजेब्रा ऑफ वेक्टर यहां पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, सारी चीजें आपने प्रैक्टिस किया होगा। देखिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो ये चीजें बहुत आपके काम की नहीं रहेंगी, आपको बुक से सॉल्व करना है। और देखो बेसिक बुक से स्टार्ट कर सकते हो आप एनसीईआरटी स्टार्ट कर सकते हो, या आप अगर स्टेट बोर्ड में है तो आप अपने बुक से सॉल्व कर सकते हो, आरडी आप कर सकते हो, आरडी से मैंने भी कुछ कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं तो आप आरडी शर्मा से कर सकते हो सॉल्व, ढेरों बुक है ठीक है। और उसके बाद आपका जब बेस क्लियर हो जाएगा तो हमारा जो अगला सीरीज होगा जिसमें कि हम आईआईटी जेई के कुछ कुछ क्वेश्चंस लेंगे वहां पे इन्हीं टॉपिक्स पे, वो भी आप देख के वहां पे सॉल्व कर सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।